उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। बड़ी ईद का मौसम है, बड़े बड़े पकवान हैं, मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ और वो है बीफ गोला कबाब। जल्दी से आप मेरे से इंग्रेडिएंट्स सुन लें। 1 टेबलस्पून मैंने गार्लिक पाउडर ले लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने हरी मिर्च पाउडर ले लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने कोकोनट पाउडर ले लिया है, आप चाहें इसे क्रश भी कर सकते हैं। 1.5 टेबलस्पून मैंने साबुत धनिया एंड 1.5 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा ले लिया है जिसे मैं चॉप करूँगी। 1 टेबलस्पून मैंने तिक्का मसाला पाउडर ले लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने सॉल्ट लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने रेड चिली पाउडर ले लिया है, लाल मिर्च पाउडर ले लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने गार्लिक पाउडर ले लिया है एंड 3 टेबलस्पून मैंने भुने हुए चने का पाउडर बनाया है, चॉप किया है, वो ले लिया है। 2 लेमन्स लिए हैं जिसका जूस हम इसमें ऐड करेंगे। 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल के लिए हैं जो हम इसमें ऐड करेंगे। और 2 किलो ये 2 kg बीफ है, बीफ का कीमा है, ठीक है। अब हम इसे बनाते हैं जल्दी से। ये जो मैंने ज़ीरा पाउडर और साबुत धनिया था, उसको मैंने चॉप कर लिया है। आप पीस लें, आप उसे चॉप कर लें, उसका पाउडर बना लें। अब हम इसे जल्दी से कीमे में मिक्स करते हैं एक बड़ा सा बर्तन लेके। ये देखें सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, मैंने ऑयल भी इसमें डाल दिया है, सब कुछ इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये लेमन जूस अब मैं ऊपर से डाल रही हूँ। अब इसे जल्दी से हम अपने हाथों से मिक्स कर लेंगे जल्दी से। ये देखें जी, बड़े प्यार से हमने इसे मिक्स कर लेना है अच्छे से। अगर गुस्सा भी है तो आप इसके ऊपर उतार दें, मिक्स अच्छे से होना चाहिए। अगर नहीं भी मिक्स हुआ तो कोई बात नहीं, अभी हम इसे चॉप करेंगे तो उसमें भी ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके अब हम इसे चॉप कर लेंगे। ये देखें जी, मैंने चॉपर में डाल दिया है। अब इसमें जौन सा है, सब्ज़ मिर्च डालना भूल गए थे, सब्ज़ मिर्च भी ऐड कर ली है इसके अंदर। 4-5 बड़ी सब्ज़ मिर्च डाल दें, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं अगर स्पाइसी करना चाहते हैं। ये सारा का सारा कीमा मैंने चॉप कर लिया। अब इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है, 1 घंटे बाद मिलते हैं आप, ठीक है। लें जी, 1 घंटा हो चुका हुआ है, सारा का सारा कीमा अच्छे से सेट हो चुका हुआ है। अब हम इसे एक गोला कबाब की शेप देंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। टाइम थोड़ा लगता है लेकिन अगर आप अच्छे से बना लें तो ये बहुत मज़े की बनती है। इसे हम गोल गोल, जिस तरह लड्डू की शेप होती है, पहले हम इसे अपने हाथ पे हल्के हाथों से प्रेस करके ये इस तरह शेप देंगे। ठंडा पानी साथ हमने रखा हुआ है, ठंडे पानी के साथ हाथ गीले कर करके, मीन्स ठंडा पानी लगा लगा के इसे बनाना है, ये टूटेंगे नहीं, उससे ठंडा पानी होना चाहिए फ्रिज का। ये देखें इस तरह, अब आपके पास एक सीख होनी चाहिए, सीख में लगा लें। सीख की जगह आप कोई स्टिक भी यूज़ कर सकती हैं, अगर आपके पास स्टिक है आप वो यूज़ कर लें। मेरे पास सीख अवेलेबल थी, मैंने सीख पर, क्योंकि गोला कबाब है, हमने इसको बकायदा कबाब की शेप देनी है। हमने इस तरह इसको लगा लिया है, अब हम इसको शेप दे रहे हैं। शेप देने के बाद हम बड़े ही प्यार से इसको सीख से अलग कर देंगे और एक अच्छी सी ट्रे में, मीन्स बड़ी सी ट्रे में लगा देंगे। ये देखें ये शेप बन गई है, इसको हमने ट्रे में रख दिया है। अब मैं एक और कबाब आपको बना के दिखाऊंगी कि जो सा है इसको किस तरह रेडी करना है। ये देखें हम दूसरे कबाब की भी शेप बना रहे हैं। इसको पहले अच्छे से बॉल की तरह शेप दे देनी है अपने हाथों में, फिर सीख स्टिक स्पून कोई भी आपके पास इस तरह का है कि आप उसको, मींस के कबाब की शेप देने के लिए अच्छी कोई आपके पास चीज़ पड़ी है उससे आप शेप देते हैं इसे। ये देखें इस तरह हमने डाल के इसे हमने अच्छे से शेप दे दी है। ठंडे पानी से बार बार हाथ गीला करी जाए ताकि चिपके ना। और इस तरह ये देखें ये अच्छे से शेप आ गई है। अब हम बड़े प्यार से हल्के हाथों से इसको अलग कर देंगे कि कबाब भी ना टूटे और सीख भी सेपरेट हो जाए। ये देखें जी, ये देखें ये हम इसको सेट कर रहे हैं, ये अब हमने इसको निकाल ली है। ये देखें जी, ये 2 कबाब रेडी हैं। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर बिल्कुल ऐसे है जिस तरह ये सीख, जब ये बनेंगे ऐसे लगेंगे जैसे एक सीख के ऊपर ही रेडी हुए हैं। बकायदा प्रॉपर होल है इसके अंदर, ये हमने अब सारे बना लिए हैं, इनकी शेप बना ली है अच्छे से। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमने फर्स्टली स्टीम कैसे करना है। स्टीम हमने करना है इसको फ्रीज़ करने के लिए। हमने जो सा एक पतीली में पानी ले लिया है, उसके अंदर हमने स्टैंड रख लिया है। इस स्टैंड से 2 इंचज़ तक वाटर नीचे होना चाहिए, ठीक है, ताकि बॉयल आए तो हमारे कबाब गीले ना हों। इसमें 2 इंच पानी नीचे होना चाहिए। अब हम इसकी सरफेस पे ऑयल लगा देंगे ताकि वो चिपके ना। इसके साथ अच्छे से ऑयल लगा लें इसकी सरफेस पे। स्टीम करना इसलिए है, हम इसको डायरेक्ट फ्राई भी कर सकते हैं ताकि ये मींस फ्रीज़ कर सकें। अगर हम जिस तरह हमारे पास कीमा अब ज़्यादा है, ईद का टाइम है, तो हम इसे फ्रीज़ कर सकें। ये हमने सारे सेट कर लिए हैं इस तरीके से स्टैंड के ऊपर। अब हमने इसको स्टीम के लिए रख लिया है, मीडियम सा फ्लेम इसके नीचे ऑन कर दिया है। 10 मिनट के लिए हमने इसको स्टीम देना है। 10 मिनट के लिए देखें स्टीम बन रही है अंदर, 10 मिनट के लिए स्टीम पर रहेंगे। 10 मिनट बाद आपको दिखाते हैं जल्दी से।
लें जी, 10 मिनट हो चुके हैं। आपने बड़े प्यार से उठाना है, मेरे हाथ पे बहुत ज़्यादा इसकी भाप पड़ी है, स्टीम पड़ी है, मेरा हाथ जलते जलते बचा। आपने बहुत ही एहतियात से इसका कैप उठाना है। अच्छी खासी देखें स्टीम जमा हुई हुई है। ये देखें जी हमारे कबाब स्टीम हो चुके हुए हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप इसको फ्राई करने का है। हमने डायरेक्ट फ्राई इसलिए नहीं किया क्योंकि हम इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। साथ ही मेरा ये देखें आलूओं का ज़बरदस्त सा पुलाव रेडी हो चुका हुआ है, मज़ेदार सा। ये देखें जी हम अब कबाब के साथ साथ आलू वाले चावल खाएंगे, मींस आलू का पुलाव खाएंगे। देखें जी सारे चावल सेपरेट हैं, शुक्र है जुड़े नहीं हैं, बहुत मज़े के। अगर इसी की भी रेसिपी या कोई जानना चाहता है तो मुझे बताएं, मैं कमेंट सेक्शन में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी इसकी रेसिपी। साथ ये मैंने डेकोरेशन के लिए थोड़ा सा सैलड कट कर लिया है, साथ खाने के साथ भी खाएँगे, साथ आप इससे प्लेट भी सजाएँगे। अब हमने इसको डीप फ्राई नहीं करना, हमने इसको शेक करना है। ये देखें जी अच्छे से हम इसको शैलो फ्राई कर लेंगे कि बाइट से ब्राउन भी हो जाए, क्योंकि हमारे स्टीम में कुक हो चुके हैं, ये अब कच्चे नहीं हैं। इसको हम जितनी देर मर्जी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे, पानी नहीं छोड़ेंगे। बस हमने इसको अब हल्का सा कलर देने के लिए शैलो फ्राई कर लेना है ताकि ये बिल्कुल कबाब की लुक दें। ये देखें जी हम अब इसको शैलो फ्राई कर रहे हैं। ये प्लेट मैंने सजाई है जिसके अंदर इसको सजा दजा के दुल्हन की तरह आपको मैंने दिखाना है, फ़ोटोशूट करना है इसका, ताकि आपके मुंह में भी पानी आए। आप जल्दी जल्दी मेरी रेसिपी देखें, इसे शेयर करें, इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन्जॉय करें। अच्छा जी मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इस मज़ेदार सी रेसिपी के साथ अल्लाह आपके तमाम मुश्किलात हल करें, तमाम मसाइल हल करें। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसे बनाएं, खाएं और मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।